साथ चलिए, आइए बाहर, कपड़े चेंज कर लीजिए। मुझे नहीं जाना। आप बहुत पछताएंगी आप बाद में। पछताओगे तो तुम, जब मैं तुम्हें अपना मरा हुआ मुंह भी नहीं देखने दूंगी। ये कह के मरूंगी कि मेरी शक्ल ना देखने देना, ना ही मेरे जनाजे को कंधा देना। लेकिन आप मेरी शक्ल जरूर देख लीजिएगा। मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, आपको बाद में इस बात का बहुत मलाल रहेगा। Thank you.
सिम्टम्स क्या होंगे, यानी ऐसा क्या हो जब मैं अपने घर वालों से दूर चला जाऊं? आपके मुंह से खून आना शुरू हो जाएगा, कमजोरी महसूस करने लगेंगे आप, और आपका लीवर जब फेल होना शुरू करेगा तो आपका पेट फूलना शुरू हो जाएगा, पेट में पानी भरना शुरू हो जाएगा आपके। दाऊद, आप तो मेहमानों के जाने के बाद इस तरह सोए जैसे मुझे पहचानते ही ना हो, ना कोई बात, ना कोई प्यार भरा जुमला। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पूरे फंक्शन का खाना आपने ही बनवाया। नहीं, बस वो थोड़ा अपसेट हो गया था, कॉल आ गई थी, मुझे आज ही यूरोप जाना होगा। लेकिन आप कैसे जा सकते हैं, आपको टाइफाइड है, मैं नहीं जाने दे सकती आपको। जाना तो होगा, आबो हवा बदलते ही तबीयत ठीक हो जाएगी, यहाँ तो बहुत पोल्यूशन है। लेकिन दाऊद, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इंग्लैंड जा रहा हूँ यार, वहाँ इलाज बहुत अच्छा होता है। तुम पैकिंग कर दो। पांच शर्ट्स काफी हैं या एक दो और रख दूं? काफी होंगे। आपके परफ्यूम्स भी खत्म होने वाले, वहां से ले लीजिएगा। बहुत अच्छे वक्त पे खत्म हो रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऐसे ही भेजोगी? प्लीज मुझसे राजी हो जाओ। मैं चाहता हूँ जाते हुए तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट और इत्मीनान छोड़ के जाऊं। मैं वाकई तुम्हें चाहने लगा हूं, जैसे कोई शख्स जिंदगी चाहता। तो फिर मुझे भी साथ ले जाए। हो नहीं सकता, होने का ख्याल कौन रखेगा, मेरे घर का, मेरे बिजनेस का। आप वापस कब आएंगे? कुछ अंदाजा नहीं, कोशिश करूंगा तुम्हारे पास वापस आ जाऊं।
कहना कि तुम्हारे हिस्से का प्यार नहीं दिया? नहीं कहूंगी। अच्छा, अपना और अम्मी का बहुत ईमानदारी से ख्याल रखना। अगर कभी तुम्हें फील हो कि वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हैं या कोई बात जो तुम्हें अच्छी ना लगे, तुम घर की चाबियां उनको दे के मैं घर चली जाऊं। खुदा की कसम मैं तुमसे कभी शिकवा नहीं करूंगा। आप जल्दी वापस आ जाएंगे ना? हाँ, कोशिश करूंगा। अम्मी से मिल लो। मैं जा रहा हूं। अल्लाह निगहबान। आपकी नाराजगी का बोझ लेके चला जाऊंगी। तुम्हें हमारी इतनी परवाह कब से होने लगी? मुझे तो लगता है मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सिर्फ आप ही की परवाह की है। ये अलग बात है कि मैं आपको कभी खुश नहीं कर सकता। दरअसल रमिया, आप कभी खुश रह ही नहीं सकती। आपने वो तमाम दरवाजे अपनी नफरतों के तालों से बंद कर दिए हैं जहां से खुशी आपके दिल तक पहुंच सके। मैं यहां पे अपनी अम्मी से मिलने आया, लेकिन मैं तो जब भी आता हूं मुझे मैंने दादी के जख्मों से चूर यारों को देखा। अम्मी, मेरा कोई भी अमल, मेरी कोई भी कुर्बानी आपके जख्म को नहीं भर सकी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं आपको आपके गमों से निजात नहीं दिला सका। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसके लिए मैं आपका दुख दूर नहीं कर सका। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस जा रहा हूं। वापस कब आओगे? कुछ वक्त लगेगा। प्लीज, मेरे जाने के बाद नायाब और मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। कभी आपको मेरी ज्यादा याद आए तो बच्चे को उठा लीजिएगा। आपको उससे मेरी खुशबू आएगी। सिर्फ नायाब का ही नहीं, मेरा भी बेटा। चाह रहा प्रोजेक्ट ही ऐसा।
ख्याल रखना। कम अज कम मेरे जाने से पहले तो मुस्कुरा, वापस आऊंगा तो फिर हो गया। ये वो जगह है जहां से मैं मर के निकलूंगा, तो ये है मेरी आखिरी कयाम का। इस बिस्तर पर मेरा वजूद बेजान हो जाएगा, अंकल मैं कुछ देर सोना चाहता हूं, आप जा सकते हैं। सब प्लीज कपड़े चेंज करना। पहुंच गए आप? हाँ पहुंच गया। यहाँ तो सुबह है, वहां क्या टाइम हो रहा है? यहाँ शाम। और बताओ हुनैद मुझे मिस तो नहीं कर रहा? बहुत मिस कर रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया। सुनो मुझे याद करके तुम चिड़चिड़ी मत होना, अक्सर इंसान यादों में उलझ के अपने आसपास के लोगों को तकलीफ देने लगते हैं। आपको लगता है मैं चिड़चिड़ी हो जाऊंगी? मैं अपनी जमीन का ख्याल रखना कुछ इस तरह से कि तुम्हें भी शिकवा ना हो और उनका भी मान रह जाए। प्लीज मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ। क्या बात है इनाम साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या हुआ दाऊद को? आइए मेरे साथ। क्या आप अंदर चढ़ के देख लीजिए। दाऊद जी सब कुछ क्या है, यहाँ क्यों हो तुम? क्या क्या हुआ? कैंसर। मैं
मर रहा हूँ। तुम्हें कैंसर कहाँ से हो गया? ऐसी बातें नहीं करते, बहुत बुरी बात है। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। दाऊद मेरी बात सुनो, आपको अब पता चला होगा कि मैंने सबको कहा क्यों दिया। प्लीज मेरे मरने के बाद मेरी बीवी मेरे बच्चे का ख्याल रखे। अल्लाह ना करे दाऊद। उसे नाराज नहीं दाऊद, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। तुम बस ठीक हो जाओ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारी खुशी में बिल्कुल खुश रहूंगी। दाऊद तुम यहाँ से उठो। अनहित की खुशी में खुशी मेरे हिस्से का प्यार बेटे को दीजिए। वो प्यार जो इसकी दादी की तलख यादों की नजर हो गया। मुझे माफ कर दाऊद प्लीज। मैं कभी कभी सालिम को माफ कर देने से मसलों की पका होती है। आप अकेली रह जाएगी, मेरा बच्चा मेरी बीवी अकेले रह जाएगी। अभी जो प्यार आप मुझे ही नहीं दे सकी, प्लीज मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे को दे देना। प्लीज मेरी रूह को सुकून मिलेगा, मेरी रूह को सुकून मिलेगा। सबको माफ कर दिया मेरे बच्चे, मैंने सबको माफ कर दिया, मैं हर एक को माफ कर दूंगी। बस तुम यहाँ से उठो, तुम मेरे साथ चलो। मैं नायब को बहुत प्यार करूंगी, मैं उन्हें से बहुत खेलूंगी, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। जाओ तुम, बस मुझे माफ कर दो। तुम चलो घर, घर चलो, मेरे साथ घर चलो। तुम ठीक हो जाओ ना मेरे बच्चे। समीना, समीना, मुझे चाय नहीं चाहिए। मुझे बताओ मम्मी आई है घर? नहीं, अब ड्राइवर को कॉल करें। वो नहीं उठा रहा ना फोन। तुम लोगों को मुझे बताना तो चाहिए था कि मम्मी रात से घर नहीं आई। बताना भी जरूरी नहीं समझते हो? खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया हो फिर। इनाम साहब, आप इतनी सुबह, सब खैरियत तो है ना? मम्मी कहाँ है? मम्मी ठीक है ना? जाते
इतने तो मरासम थे कि आते जाते सिलसिले तो नहीं जाएंगे। तोड़ गया तब तक उठाने दे, मेरे जाने के बाद बड़ा लंबा सोए हो तुम। आदत डाल रहा हूँ लंबा सोने की। सुनो आज तुम इधर ही रुक जाओ मेरे कमरे में। वहाँ अकेले घर में क्या करोगे? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? तुम्हारी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। मोमना को फोन करके बता रहा हूँ। उसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा जब यहाँ वापस आ जाऊँ, इस बार नए सिरे से ताल्लुक जोड़ते हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए। फिर से एक कमजोर ताल्लुक। इस बार जो ताल्लुक जुड़ेगा वो बहुत मजबूत होगा, कभी नहीं टूटेगा। तो बहुत अच्छा वक्त देगा तुम्हें। कब तक? जब तक जिंदगी है मेरी। मुझे तो लगा आप मुझे घर से निकाल देंगे और सफाई का मौका भी नहीं देंगे। हर किसने कितना तुमने उस लड़के से तब मोहब्बत की जब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, कि मैंने मोमना से तब भी प्यार किया जब तो मेरी जिंदगी में आ चुकी थी। अगर देखा जाए तो बेईमानी तो मैंने की। लेकिन शौहर ऐसा नहीं सोचते थे। आप सबको एहसास हो जाता है, बस रस्सी खींचने के लिए रोते हैं। सारी शान और शौकत ठिकाने लग जाता है। मैंने बहुत कोशिश की है कि अम्मी का रवैया ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं बदल रही। अगर मेरे जाने के बाद उनका रवैया ऐसा रहा तो तुम अपने घर शिफ्ट हो सकती हो आराम से। भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और लोग क्या कहेंगे कि आपने सुबह में अपनी अम्मी को अकेला छोड़ दिया? मैं बर्दाश्त कर लूंगी, कोई बात नहीं। तुम्हारी मर्जी है, जब तक बर्दाश्त कर सकती हो कर लेना। अगर दम घुटने लगे तो मेरे वापस आने का इंतजार ना करना। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आप चले। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा कि मजबूरी है। प्रोजेक्ट यस उसकी वो ना ख्याल है उसे। कम से कम मेरे जाने से पहले तुम उसको वापस आऊंगा तो फिर के ना था तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तो जाते जाते सिलसिले। मुझे मरता हुआ देखते हैं नायक की हिम्मत भी मर जाएगी। मैं हमेशा उसकी यादों में सेहतमंद चलते फिरते इंसानों के तरह रहना चाहता हूँ। जाएगा तो मेरे पास नहीं होती, मुझे लगता है कि जैसे मेरा सांस बंद हो जाएगा।
और पता क्या नया, जब तुम मुझे नजर नहीं आती ना, मुझे लगता है, मुझे लगता है मुझे अपने बच्चे की उखड़ती हुई सांसें याद आ जाती है। तुम मेरा हाथ छोड़ती हो ना नायाब, अपने बच्चे के ठंडे हाथों का लम्स मुझे तंग करने लगता है। मेरे बच्चे के हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हो गए थे नायाब, एक एक सांस के लिए तड़प तड़ा वो सारी रात। जब भी उसकी हालत संभलती थी बस तुम्हारा ख्याल रखने को कहता था, उनेद का कहता था। कहाँ है उनेद? उनेद कहाँ है? यही है, सो रहा है। एक दिन भी मैं अपने बच्चे को हंसते हंसते घर की खुशी ना दे सकी। दिन भी वो गिड़गिड़ाता रहा, मांगता रहा मुझसे, लेकिन मैं उसे डसती रही। ऐसा इंसान देखा है तुमने कभी जिसे इतना डसा जाए कि वो सांप बन जाए और अपनी औलाद को खा जाए? ऐसा इंसान नहीं देखा होगा। पानी से उसका दिल कब भरता है? मैं देखती। अरे नहीं, रहने दो, मेरे बच्चे को डांटोगी तुम। रुक जाओ, मैं खुद ही ले आऊंगी। बल्कि तुम जाओ, मैं तैयार करके ला रही हूँ उसे। अच्छा हाँ, जाओ। आओ इधर आओ। चलो जी। आ जाओ। मामा से बचा लिया मैंने भी आपको, पता है? तो बड़ा अच्छा आया है जनाब का, है? लगता नहीं है वैसे कि कोई पढ़ाई शढ़ाई हो रही है। रिजल्ट बुरा था, सब कैंडीज, कार्टून्स, मूवीज बंद थी, कुछ नहीं मिलना था, पता है? और आपको तो जो डांट पड़ती सो पड़ती मामा ने, तो मुझे बताना था ना कि मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया। देर हो रही है हमें और मामा ने फिर आ जाना है और दोनों को डांट पड़ जानी है। चलो अपना बटन लगाओ खुद, अब अपने काम खुद से भी थोड़े थोड़े करने चाहिए। चलो आज मैं हेल्प करती हूँ, मैं ये वाला बटन लगाती हूँ, देखते हैं कौन जीतता है, दादू जीतती हैं या मेरा बीबी जीतता है। ओह, लग गया। ये दादू जीत गई।